अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स विद फेरोज शाह। आज के लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन, जो ईटा एंड एमडीकेट प्रिपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स में, और उसकी वजह ये है कि इस चैप्टर ये बेस है सारे चैप्टर्स का, और आप टेस्ट देके पास पेपर्स देके तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ एमसीक्यूज इसी में होता है। इस चैप्टर की मज़े की बात यह है कि इसकी थ्योरी जितनी आसान दिखती है और हर स्टूडेंट और हर बंदा कहते हैं मुझे आता है, लेकिन इससे उतने ही ज़्यादा टफ, ट्रिकी एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं कि बंदा उन क्वेश्चन पे सोचता ही रहता है कि कैसे सॉल्व करें। चैप्टर बहुत बड़ा है, एटलीस्ट इट रिक्वायर 12 to 13 1 hour or more लेक्चर्स। मैंने क्लासेस में हमने पढ़ा है ईटा के फ्रेश क्लास में, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स से ये मिस हो गया था तो उन्होंने रिक्वेस्ट की। सो आज मैं एक लेक्चर में पूरे चैप्टर के मेन पॉइंट्स और कुछ मेन एमसीक्यूज, जो आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है देखने वालों को फायदा मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक इसका है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। माय डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप मेरी सिर्फ एक बात याद रखिए, जो आपका हर क्वेश्चन सॉल्व करेगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपका हर क्वेश्चन सॉल्व होगा सिर्फ इन दो बातों से। डिस्टेंस क्या होता है? इट इज द पाथ यूज्ड इन मोशन। इट इज द पाथ यूज्ड इन मोशन। जो रास्ता बॉडी मोशन में इस्तेमाल करे वही उसका डिस्टेंस है। द पाथ यूज्ड इज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट गैप। It is the shortest gap between initial and final. Initial और final के दरमियान shortest gap को displacement बोलते हैं। आप बाकी जानते हैं कि distance denoted by s and displacement is a vector quantity, so इसका magnitude हम denote करते हैं s arrow modulus से, या सिर्फ s से। इसका direction हमेशा initial से final की तरफ होता है। अब बाकी जो बातें हैं वो क्या हैं, तो याद रखें, मोशन जब होगा, बॉडी मोशन करेगी, तो जाहिरी बात है मोशन में दो पाथ इस्तेमाल होते हैं। अगर मोशन में स्ट्रेट पाथ इस्तेमाल होगा या मोशन में कर्व पाथ इस्तेमाल होगा, तो ये बात याद रखें कि जो स्ट्रेट पाथ होता है उस स्ट्रेट पाथ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के वैल्यूज बराबर होते हैं, लेकिन अगर बॉडी कर्व पाथ में मोशन करेगा तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। अब एक और भी बात सुन लीजिएगा कि अगर डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, ये 1 के बराबर होगा तो मोशन होगा स्ट्रेट पाथ पर, ये स्ट्रेट पाथ पर होगा। और अगर डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मॉडुलस ग्रेटर देन 1 आ जाए, so it means the body is in curvilinear motion, curved path पर motion होगा। straight path mean rectilinear motion पर ratio 1 होगा, लेकिन curvilinear motion पर distance और magnitude of displacement का ratio greater than 1 आएगा। अगर displacement ऊपर हो, distance नीचे, तो फिर less than 1 आएगा। उम्मीद है बात आपको पता होगी। मैं आपको अपनी बातों का justification देता हूँ एक छोटे से question से, और एक question कर लेता हूँ इस पर। क्वेश्चन है मेरा दैट अ बॉडी मूव्ड ऑन अ सेमी सर्कल, अ बॉडी मूव ऑन अ सेमी सर्कल, व्हाट आर इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस बॉडी के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? ऑप्शन ए आपके लिए 2r और 2r, ऑप्शन बी 2r एंड पाई आर, और ऑप्शन सी माय डियर स्टूडेंट्स पाई आर एंड 2r, और ऑप्शन डी 0 and 0। हम सॉल्व करेंगे, एहतियातन नॉन भी ले लेता हूं। आपके सामने क्वेश्चन जहन में आ रहा है, बना रहा हूं, तो आई डोंट नो, मैं सॉल्व करूंगा तो पता चलेगा। आई होप मैंने इसमें आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। अब हम मालूम करते हैं, एक बॉडी मूव ऑन अ सेमी सर्कल, सर्कल का नाम सुना तो सर्कल बना लीजिएगा। ये ले माय डियर स्टूडेंट्स, एक सर्कल बन गया, ठीक है। यहां पर हम लेते हैं बॉडी, और ये बॉडी का इनिशियल मुकाम है। फर्ज करो ये बॉडी का इनिशियल मुकाम है, ठीक है। अब एक जो कह रहे हैं वो कहें,
कहते हैं बॉडी को मोशन दे दो ऑन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन आधा सर्कल। तो जब ये बॉडी घूम कर सेमी सर्कल पर इधर आएगी, इस तरफ आएगी, तो माय डियर स्टूडेंट ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल, इसका फाइनल मुकाम होगा। अब आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के वैल्यूज बतानी है, तो आपको मेरी बात याद आनी चाहिए कि सर डिस्टेंस होता है पाथ यूज्ड, और जब बॉडी इस रास्ते से गई है तो ये इसने यूज किया हुआ है, इट इज द पाथ यूज्ड, ये यूज्ड पाथ है माय डियर स्टूडेंट। अगर ये पाथ यूज्ड है, अगर ये पाथ यूज हो चुका है तो यही डिस्टेंस है। और आप गौर से देखिए, अगर एक बॉडी फुल सर्कल यूज करेगा तो 2πr, जब इसने आधा सर्कल यूज किया है देन इट इज पाई आर, यूज्ड इज पाई आर, फुल सर्कल इज 2πr, तो हाफ सर्कल सेमी सर्कल इज पाई आर। फर्दर मोर, ये इनिशियल है और ये फाइनल, डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो ये जनाब इसका शॉर्टेस्ट गैप है और ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट ये है जो कि शॉर्टेस्ट गैप है, और ये यूज है तो ये डिस्टेंस था, डिस्टेंस आया पाई आर के, और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल डायमीटर के बराबर है, और डायमीटर इज इक्वल टू 2r। तो आपको पता चल गया जनाब कि डिस्टेंस की वैल्यू है पाई आर और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 2r, एंड हिंस द करेक्ट आंसर इज पाई आर एंड 2r, ये करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा क्लिकिंग पॉइंट है कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आपको इतना तो पता है कि स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कहते किसे हैं, एक्चुअली ये कहते किसे हैं, तो मैं इस पे बात नहीं करूंगा, इस पे बात करूंगा काफी, एक एक सिर्फ एक्सेलरेशन एक पूरा लेक्चर या दो लेक्चर डिमांड करता है। मैं आपको बेसिक एमसीक्यू और बेसिक आइडिया बताता हूँ। स्पीड वी से डिनोट होता है और ये डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम है। एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम के बराबर होता है। यूनिट आप सबको पता है। क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कॉमन आइडियाज हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं फॉर स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं और उसके क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो चुके हैं, वो ये हैं। स्पीड से अक्सर क्वेश्चन आता है एवरेज का, स्पीड से अक्सर एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आता है। तो याद रखें, एवरेज स्पीड के हमारे पास कॉन्सेप्ट्स ये हैं कि v इज इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस 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 डिवाइड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस 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 प्लस, ये फार्मूला होगा। एवरेज स्पीड का एक फार्मूला होता है v1 प्लस v2 प्लस 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 डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्पीड्स, दो तीन चार आठ दस जितने भी हो। एवरेज स्पीड का एक फार्मूला है, ये है जनाब v1 टू v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। ये थ्री इक्वेशंस हैं जो आप यूज कर सकते हो मुख्तलिफ सिचुएशंस में। ये फार्मूला आप तब इस्तेमाल करोगे जब आपको डिस्प्लेसमेंट्स गिवन हो और साथ में टाइम्स गिवन हो। ये फार्मूला आप तब इस्तेमाल करोगे, याद रखना, जब टाइम इंटरवल सेम हो, याद रखना जब टाइम इंटरवल सेम हो तब ये काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। अगर मैं कहूं कि एक स्पीड था 10 किलोमीटर पर आवर फॉर टू मिनट्स और दूसरा स्पीड था 100 किलोमीटर पर आवर फॉर अगेन टू मिनट्स, तो जब दो स्पीड, तीन स्पीड, चार स्पीड, दस स्पीड के टाइम इंटरवल में आपको सेम दे दूं, तो फिर माय डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूला काम करेगा, वरना नहीं करेगा, गलत आंसर देगा। ये शॉर्ट फॉर्म आप तब यूज करोगे जब डिस्टेंसेस सेम हो। डिस्टेंसेस सेम का मतलब क्या है? डिस्टेंसेस सेम का मतलब है कि अगर मैं कहूं कि फर्ज करें एक स्पीड है v1, वो 10 किलोमीटर तक हुआ, फिर वो दूसरा स्पीड 10 किलोमीटर तक हुआ, एवरेज क्या होगा? तो डिस्टेंस सेम है, फिर इस इक्वेशन से आप सॉल्व करेंगे। एवरेज वेलोसिटी का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। और एक्सेलरेशन की कहानियां कुछ ऐसी हैं, एक्सेलरेशन की कहानियां कुछ ऐसी इसमें जो ज्यादातर यूज होता है एक्सेलरेशन। अगर एक बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है, बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो याद रखें कि इसका पहला डिस्टेंस जो पहले सेकंड में होगा s1, दैट विल बी इक्वल टू a बाय 2, डिस्टेंस s1 विल बी इक्वल टू a बाय 2। इसका दूसरा डिस्टेंस जो होगा वो होगा सेकेंड ऑर्डर,
मल्टीप्लाई बाय एस वन, जो तीसरा डिस्टेंस होगा तीसरे सेकेंड में वो होगा थर्ड ऑर्डर, मल्टीप्लाई बाय एस वन एंड सो ऑन। ये आइडिया ज्यादातर एक्सेलरेशन साइक्लिक होते हैं। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की बात आपको बताएं, आपको तब समझ आएगी जब मैं इनके क्वेश्चंस करता हूं। सो लेट मी शेयर अ क्वेश्चन या सम क्वेश्चंस अबाउट दीज आइडियाज ऑफ एक्सेलरेशन, स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन करूं फॉर स्पीड और मैं कहूं दैट अ बॉडी मूव्ड विद 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 seconds एंड विद 30 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट 5 seconds, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। बताएं कि इस मोहतरम बॉडी का एवरेज स्पीड क्या होगा। ऑप्शन ए 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी इसका स्पीड होगा जनाब 15 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन डी एहतियातन नाम ले लेता हूं, जहन में आइडिया नहीं आ रहा, कैलकुलेशन कर रहा हूं एवरेबली, लेकिन हो सकता है गलत हूं। सो लेट मी सॉल्व इट। अब इसको सॉल्व करें, आप कहेंगे सर पहला टाइम है 5 सेकेंड और दूसरा टाइम भी है 5 सेकेंड, तो कौन सी कंडीशन में हो रही है कि इंटरवल ऑफ टाइम सेम है। तो शॉर्ट फॉर्म यूज करें, और शॉर्ट फॉर्म होता है एवरेज स्पीड इज v1 प्लस v2 डिवाइड बाय, कितने स्पीड्स हैं 2, तो डिवाइड बाय 2, अगर 3 स्पीड्स होते तो डिवाइड बाय 3 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन तब यूज होता है जब टाइम इंटरवल सेम हो। पुट करें शाबाश, तो 10 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, इट मीन 40 डिवाइड बाय 2 एंड द आंसर विल बी 20 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अब एवरेज वेलोसिटी का एक क्वेश्चन आपके नाम करता हूं, यह है जनाब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फॉर टुडे क्वेश्चन नंबर। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, एवरेज वेलोसिटी पे बात करते हैं। अगर मैं कहूं कि एक बॉडी है, फिगर दे देता हूं आपको, आसान हो जाएगा स्टेटमेंट लिखने से। बॉडी यहां से इनिशियली रवाना हो गई, ठीक है, और इसने 3 मीटर कवर किया, यहां आने के बाद वो परपेंडिकुलर गई है यहां तक और ये इसका फाइनल हो गया, और इसने 4 मीटर कवर किया। अगर मैं कहूं कि द टाइम ऑफ मोशन इज 2.5 सेकेंड्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मैंने एवरेज स्पीड नहीं दिया, आई एम आस्किंग अबाउट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। We have to solve it. पहला ऑप्शन बताता हूं, पहला ऑप्शन ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन आपके लिए है जनाब 2 मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन आपके लिए ले लेता हूं 1 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन डी ले लेता हूं एहतियातन, नॉन हो सकता है मेरे जहन में कैलकुलेशन गलती हुई हो, तो नॉन ले लेते हैं। मैटर्स के सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। आप कहें सर वी हैव टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी, तो मुझसे कहें सर एवरेज वेलोसिटी का तो एक ही कॉन्सेप्ट है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। फिर कहें सर टोटल टाइम तो आपने दे दिया है कि इट इज 2.5 सेकेंड, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो मैंने इससे पहले तो बताया कि भाई इनिशियल से फाइनल तक जो शॉर्टेस्ट गैप होता है दैट इज एक्चुअली द टोटल या नेट डिस्प्लेसमेंट, यानी आपने 3 और 4 पुट नहीं करना, ये डिस्टेंस है, ये यूज्ड हो चुके हैं और यूज्ड इज डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट इज द गैप बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। सो देयरफॉर यहां से यहां तक पहले ये मालूम करें, कैसे मालूम करोगे, मेरे ख्याल में आपको पता होना चाहिए अगर आप टेस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हो और आप ये दावा और ये उम्मीद रखते हो कि आपने डॉक्टर बनना है, तो मेरे ख्याल में ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये डिस्प्लेसमेंट हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, और हर हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला है अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो इस फॉर्मूले के मुताबिक आएगा 9 प्लस 16 रूट विच इज इक्वल टू 25 रूट एंड विच इज इक्वल टू 5। सो हियर वी हैव टू पुट 5 एंड 5 बाय 2.5 इज 2 मीटर पर सेकेंड। और मुझे मुबारक हो
क्योंकि मेरा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। ये था जनाब एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपके लिए एक क्वेश्चन है एक्सेलरेशन का, जो काफी कॉमन आइडिया है, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आज के लेक्चर का। वो है जनाब अ बॉडी इन फ्री फॉल, अ बॉडी इन फ्री फॉल, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट्स कवर्ड। इसके डिस्प्लेसमेंट्स कवर्ड क्या होंगे, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट्स कवर्ड इन इन 3rd सेकेंड, 4th सेकेंड एंड 5th सेकेंड। ज्यादा की मैंने अपने साथ 3 वैल्यूज दे दिए। आइडिया ही समझाना था, 2 से भी काफी था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट्स के लेट मी कंसीडर इट इज, इट विल बी 5 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, फर्ज करें के 25 मीटर और 35 मीटर और 45 मीटर, और ये ले लेते हैं हम जनाब 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 35 मीटर, 45 मीटर एंड 55 मीटर। और बड़े इत्मीनान से नाम ले रहा हूं क्योंकि शायद मैं इसमें गलत हो चुका हूं। अब आप कहेंगे सर कैसे मालूम करेंगे, तो मैंने आपसे कहा एक्सेलरेटेड मोशन का बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि S1 यानी पहले सेकंड का जो डिस्टेंस होता है वो होता है एक्सेलरेशन डिवाइड बाय 2। लेकिन दुनिया जानती है कि जब बॉडी फ्री फॉल करती है तो एक्सेलरेशन जी होता है, इसलिए इट विल बी इक्वल टू जी बाय 2 एंड S1 विल बी इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2 मीन 5 मीटर। S1 मालूम करना जरूरी है, वो सबको ये फंडामेंटल है, बाकी डिराइव को देता है। अब आपको चाहिए 3rd सेकेंड, तो माय डियर स्टूडेंट 3rd सेकेंड का आइडिया था कि S3 चाहिए, तो यू हैव टू पुट 3rd ऑर्ड मल्टीप्लाई बाय S1, 3rd ऑर्ड। अब आप बताएं शाबाश 3rd ऑर्ड क्या है। 1st ऑर्ड इज 1, 2nd ऑर्ड इज 3 एंड 3rd ऑर्ड इज 5। सो देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई बाय S1, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। फिर आपको चाहिए S4, तो आप कहें सर 4th ऑर्ड पुट करें और S1, लेकिन द 4th ऑर्ड इज 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35। फिर आपको चाहिए S5, तो यू हैव टू पुट 5th ऑर्ड मल्टीप्लाई बाय S1 और 5th ऑर्ड इज 9 और 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 45 मीटर एंड वंस अगेन आई क्लिक्ड, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज 25 मीटर, 35 मीटर एंड 45 मीटर। नेक्स्ट हमारा है इस चैप्टर का आइडिया, और वो है माय डियर स्टूडेंट्स अबाउट न्यूटन्स लॉस। सो न्यूटन्स लॉस क्या है वो आप सबको पता है, मैं आपको 9 और 10 की बातें या पेपर की बातें नहीं बता रहा कि आपने पेपर में अच्छे नोट्स लिखने हैं और अच्छे मार्क्स लेने हैं। आई वांट टू क्लिक एन इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ MCQs, अ ट्रिकी एंड ट्विस्ट टाइप MCQs और कॉमन MCQs जो कई कई बार रिपीट हो चुके हैं, जिनके आइडियाज आपको कई जगहों पे हेल्प देते हैं। आई वांट टू क्लिक द बेसिक आइडिया बिहाइंड द टॉपिक। सो न्यूटन्स लॉस 3 हैं, देयर आर 3 न्यूटन्स लॉस आप जानते हैं। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, सेकंड लॉ और 3rd लॉ। इसमें क्या सिचुएशन है, तो माय डियर स्टूडेंट आइडिया ये है, फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि जब फोर्स नहीं होगा, जब फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, और सेकेंड लॉ हमें बताता है कि जब फोर्स होगा तो क्या होगा, फोर्स होगा तो क्या होगा, जब फोर्स होगा तो क्या होगा। एंड 3rd लॉ ये है कि 2 बॉडीज इंटरेक्शन करेंगे, जब 2 बॉडीज आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो उनके दरमियान फोर्सेस कैसे होंगे, कैसे होंगे। आंसर है जनाब सीधी साहब कि जब फोर्स नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा तो रेस्ट रेस्ट रहेगा और मोशन मोशन रहेगा, क्योंकि रेस्ट को मोशन में बदलता है फोर्स और मोशन को रेस्ट में बदलता है फोर्स। जब फोर्स नहीं होगा तो हर रेस्ट रेस्ट रहेगा और हर मोशन मोशन, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं।
सेकेंड लॉ जो है, जब फोर्स होगा तो तीन बातें होंगी। व्हेन फोर्स इज नॉन जीरो देन दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन विल बी नॉन जीरो। एक्सेलरेशन चेंज का दूसरा नाम है। अगर फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा, डेफिनेटली होगा। तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो फिर ये ज्यादा होगा या कम, तो इट डिपेंड्स। अगर फोर्स ज्यादा है तो ये ज्यादा है, और अगर फोर्स कम है तो ये कम है। एज डायरेक्टली टू फोर्स। इट आल्सो डिपेंड्स कि बड़ी बॉडी है तो कम होगा चेंज, और अगर छोटी बॉडी है तो चेंज ज्यादा होगा। इट मीन दैट ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। द कंबाइंड फैक्टर इज एफ इज इक्वल टू एम ए। द कंबाइंड फैक्टर इज एफ इज इक्वल टू एम ए। एंड थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ क्या कहता है कि जब भी दो बॉडीज आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो यहां हमेशा दो फोर्सेज लगेंगे। बॉडी वन बॉडी टू पर लगाएगा, बॉडी टू बॉडी वन पे लगाएगा। सो पहला आंसर के जब दो बॉडीज इंटरेक्ट करते हैं तो किस तरह के फोर्सेस होंगे, सो पहली बात के टू फोर्सेस होंगे। उन टू फोर्सेस में एक का नाम है एक्शन और दूसरे का नाम हम रखते हैं रिएक्शन। जो दूसरी बात है वो ये है कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, न्यूटन्स लॉ से जब भी क्वेश्चन आता है 90% रिपीटिशन होती है, उसमें 90% होता है रिपीटिशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। सो एक क्वेश्चन इसके नाम करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए, अगर मैं कहूं कि इट इज अ सरफेस, हियर वी हैड कनेक्टेड फोर बॉडीज, लेट मी कॉल इट 3 kg, एंड लेट मी से दैट इट इज 4 kg बॉडी। फर्स्ट करें इट इज 2 kg बॉडी एंड इट इज अगेन 5 kg बॉडी। मैंने 5 kg, 2 kg, 4 kg बॉडी आपके लिए ले ली कनेक्टेड बॉडीज, और मैं कह रहा हूं कि इस पर फोर्स लग रहा है, मैं वैल्यू ले रहा हूं। हालांकि सिंबॉलिक भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बट वैल्यू ले रहा हूं सिर्फ उनके लिए जिन्होंने ये चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो बहुत कुछ इस मेन पॉइंट से अपने माइंड में रखकर चैप्टर स्टडी करके एमसीक्यूज के प्रैक्टिस करके फायदा ले सकते हैं। लेट मी कंसीडर द फोर्स इज 100 न्यूटन। टोटल फोर्स इज 100 न्यूटन। 5 और 2 7 और 4 11 11 और 3 14। ये मैंने ज्यादा की है तो इसको 5 के लिए नहीं लेते। 4 और 2 6 और 3 9। सो लेट मी कॉल दिस बॉडी 1 kg। मैं चाहता हूं कैलकुलेशन जरा आसान हो जाए, बाकी कोई गरज नहीं है। और इस बॉडी को अब हम 2 kg कहते हैं। देखो फायदा मुझे ये हुआ, कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करूंगा। मैंने ये मल्टीपल ऑफ 10 में लिया तो मैं चाहता हूं टोटल मास भी 10 रहे, तो कैलकुलेशन आसान होगी। 2 kg प्लस 1 kg 3 kg प्लस 4 kg इज 7 kg एंड 3 kg 10 kg। अब इजी है। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ये मैंने आपको फिगर दिया और इस फिगर के बारे में मैं चाहता हूं आपसे दो क्वेश्चन करूं। अबाउट दिस फिगर क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स ऑफ बॉडी, व्हाट इज द फोर्स ऑफ बॉडी बॉडी टू ऑन बॉडी 3। बॉडी 2 का बॉडी 3 पर फोर्स कितना है, पहली बात। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन चाहता हूं आपसे करूं, क्वेश्चन नंबर 6। अगर मैं कहूं व्हाट इज द नेट फोर्स, व्हाट आर द नेट फोर्सेस ऑन ऑल बॉडीज, यहां सारी बॉडीज पर कितना कौन कौन सा नेट फोर्स लगता है, इसके ऑप्शन ए ले रहा हूं। ऑप्शन ए फर्स्ट करो मैं ले रहा हूं कि 30 न्यूटन, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन और 10 न्यूटन। ऑप्शन बी आपके लिए, ऑप्शन बी ले रहा हूं कि इट इज 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन और 20 न्यूटन। और ऑप्शन सी लेट मी कंसीडर दैट ऑप्शन सी इज 30 न्यूटन और 40 न्यूटन और 10 न्यूटन और 20 न्यूटन, ये है जनाब। और ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी जो है वो ले लेता हूं नॉन, शायद मैंने गलती की हो, ना ले लेते हैं। अब इसके भी ऑप्शन बनाता हूं आपके लिए, और इसके ऑप्शन है व्हाट इज द फोर्स ऑफ बॉडी 2
2 on body 3. So it will be equal to option A 30 Newton, option B 20 Newton, option C 10 Newton और option D यहां भी ले लेता हूं ना। अगर मैं आपसे कहूं ये दोनों क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, सो मैं आपको एक इजी मेथड बताना चाहता हूं। जब भी कनेक्टेड बॉडीज का नेट फोर्स मालूम करना हो कि किस बॉडी पर कितना लगता है, तो याद रखिएगा कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। एफ इज नेट फोर्स के लिए कहोगे कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर सबके मासेस इक्वल हो तो सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा, और टोटल को नंबर ऑफ बॉडीज पे डिवाइड करो वो सबको एक एक मिलेगा हिस्सा। लेकिन अगर मासेस अनइक्वल हो तो जिसका सबसे ज्यादा मास है वो सबसे ज्यादा लेगा, और जिसका सबसे कम है वो सबसे कम लेगा। टोटल है 100। अब इस 100 को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करो कि ये सबसे कम ले, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर। फिर भी आप सोचते रहोगे तो आपके लिए करेक्ट आंसर नहीं बनेगा। आप सोचते रहेंगे आसान फॉर्मूला क्या है, आप ऐसा पूछ लें, तो माय डियर स्टूडेंट द नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय बॉडी मास। उम्मीद है ये फॉर्मूला आप नहीं भूलेंगे। ये नेट फोर्स मालूम करने का डायरेक्ट अप्रोच है। अब अगर आपने पहले बॉडी, अच्छा आप ये देखें, मैंने नंबर तो नहीं दिए। आप कहोगे सर बॉडी वन कौन सी है, बॉडी टू कौन सी। अगर नंबर गिवन हो तो अलग बात, नंबर गिवन ना हो तो जिस बॉडी पर फोर्स लग रहा है दैट इज बॉडी वन, उसके बाद बॉडी टू, ये बॉडी थ्री और ये बॉडी फोर। नंबरिंग आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बॉडी से लोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आप सारे बॉडीज का फोर्स मालूम करें। शाबाश। तो एफ वन टोटल फोर्स 100 है और टोटल मास 10 है और बॉडी 1 का मास 3 है। तो देखो ये और ये कैंसिल, इट मीन कि इसको 30 न्यूटन मिलेगा, बॉडी 1 को 30 न्यूटन मिलेगा। इसी कॉन्सेप्ट से बॉडी 2 का मालूम करें तो 100 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको 40 न्यूटन मिलेगा। बॉडी 3 का मालूम करें तो दैट इज 100 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसको 10 न्यूटन मिलेगा। और बॉडी 4 को जो मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स F4, और F4 जो है वो है 100 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसको 20 न्यूटन मिलेगा। इसका मतलब है कि इसको मिलेगा 30, ये 30 का आएगा, ये 40 का आएगा, ये 10 का आएगा और इसे 20 मिलेगा, ठीक है, हमें हिस्सा मिल गया। सो व्हाट आर द नेट फोर्सेस, 30 40 10 एंड 20, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये भी बहुत आसान है। हर एक को अपना अपना हिस्सा दे दो, वो अपना हिस्सा लेगा तो बाकी आगे ट्रांसफर करेगा। आपने बॉडी वन को कितना दिया 100, इसको कितना लेने का हक है 30, तो 100 से 30 ये का लेगा। तो बॉडी वन बॉडी टू को कितना देगा, 100 से 30 हटा दो तो 70। सो द फोर्स ऑफ बॉडी वन ऑन बॉडी टू इज 70 न्यूटन। लेकिन 70 में ये कितना का आएगा 40, कितना बचेगा 30, तो ये 70 में 40 का लेगा और ये बॉडी 3 को देगा, बॉडी 2 बॉडी 3 को देगा 30 न्यूटन। अब ये इसको 30 देगा तो द फोर्स ऑफ बॉडी 2 और बॉडी 3 इज 30 न्यूटन। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ बॉडी 3 और बॉडी 4, तो जब बॉडी 2 से बॉडी 3 को 30 न्यूटन मिल जाए तो ये उससे 10 ले लेगा और 20 इसको देगा। सो द फोर्स ऑफ बॉडी 3 और बॉडी 4 इज 20 न्यूटन। आप ये दोबारा सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। कनेक्टेड बॉडीज मच मोर इम्पोर्टेंट। न्यूटन्स लॉस से जहां जहां क्वेश्चन आते हैं वहां कनेक्टेड बॉडीज बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। माय नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंटम। मोमेंटम से रिलेटेड इक्वेशंस क्या है, तो मोमेंटम हकीकत में क्वांटिटी ऑफ मोशन है। एक बॉडी में मोशन की मिकदार का नाम मोमेंटम है। मोशन ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, मोशन कम तो मोमेंटम कम। इट इज डिनोटेड बाय पी एंड पी इज इक्वल टू एम वी, इसका पहला इक्वेशन है। अगर ये इनिशियल मोमेंटम हो तो वेलोसिटी भी इनिशियल, अगर ये फाइनल मोमेंटम हो तो वेलोसिटी भी फाइनल। ये जनाब मोमेंटम की इक्वेशन है। मोमेंटम का वर्सेस फोर्स क्या रिलेशन है, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी। और ये इक्वेशन बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। और अच्छा कहें कि फोर्स वो चीज है जो वक्त के साथ साथ बॉडी के मोमेंटम में चेंज लाता है।
यानी जहां फोर्स होगा वहां मोमेंटम जरूर चेंज होगा, और जहां फोर्स नहीं होगा वहां मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा मोमेंटम का एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये है माय स्टूडेंट्स, वो ये है, इसका एक कंडीशन है और एक इसके रिजल्ट्स हैं। द कंडीशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दैट दिस लॉ कैन बी एप्लीकेबल ओनली फॉर आइसोलेटेड बॉडी। आइसोलेटेड बॉडी मीन कि इसका फोर्स क्या हो, जीरो हो। और रिजल्ट ये है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और रिजल्ट ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि चेंज इन मोमेंटम इज जीरो। और रिजल्ट ये है कि मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, इसके एमसीक्यूज किस तरह आते हैं? तो एमसीक्यूज ऑफ मोमेंटम में दो आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो दो आइडिया है जनाब, गन बुलेट सिस्टम और नेट मोमेंटम। गन बुलेट सिस्टम एंड नेट मोमेंटम, इसके एमसीक्यूज आते हैं। आपने नेट मोमेंटम कैसे मालूम करना है और आपने गन बुलेट की कहानियां कैसे सुलझानी है, तो जनाब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 अबाउट मोमेंटम। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि लेट मी कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास 2 kg is approaching with 10 meter per second towards another body of mass 2 kg, 5 kg ले लेता हूं, मुझे कोई हर्ज नहीं है इससे। And let me consider the body 2 is moving with 5 meter per second. और मैं आपसे कहूं that what is the net momentum? What is the net momentum in the given figure? Option A, it will be equal to 5 units. Option B, it will be equal to 45 units. Option C, it will be equal to 10 units. Or option D, it will be equal to 5 units. 5 to likha hai, 25 units. Kaun sa answer hoga? To yaad rakhiyega ki net momentum is always equal to momentum of body 1 plus minus momentum of body 2. Net momentum is always equal to momentum of body 1 plus minus momentum of body 2. यहां प्लस इस्तेमाल करोगे अगर दोनों बॉडीज के मोशन का डायरेक्शन सेम हो, और यहां माइनस इस्तेमाल करोगे अगर दोनों बॉडीज के मोमेंटम का डायरेक्शन या मोशन का डायरेक्शन अपोजिट हो। फिलहाल मैंने आपको मोशन का डायरेक्शन सेम दिया है, और सेम डायरेक्शन का मतलब है कि आप लोग यहां प्लस इस्तेमाल करोगे। अगर मैं इस बॉडी को टुवर्ड्स लेफ्ट कर दूं तो फिर यहां माइनस लिखोगे, ठीक है? आप लिखते हैं शाबाश, मोमेंटम ऑफ 1 इज m1v1 और सेम डायरेक्शन में प्लस एंड इट इज m2v2। सो m1 की वैल्यू आपको मिली है 2, v1 की वैल्यू 10, प्लस m2 की वैल्यू 5 और v2 की वैल्यू 5, एंड इट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20 प्लस 25 एंड द आंसर इज 45। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ये तो नेट मोमेंटम की कहानी है। गन बुलेट का जो क्वेश्चन होता है उसको याद रखें के, चलो मैं क्वेश्चन कर लेता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 8 फॉर टुडे, आज के लिए क्वेश्चन नंबर 8, एंड दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स दैट व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ ए 10 kg gun, 10 केजी गन फायर्ड अ 10 ग्राम बुलेट with 100 meter per second. Option A, 1 meter per second, 10 meter per second, or option C, 0.1 meter per second, or option D, none of these. दे लेता हूँ क्योंकि calculate करूँगा तो पता चलेगा किस हद तक ठीक है हम। So let me solve. याद रखना कि bullet और gun का हर question एक इक्वेशन से सॉल्व होता है, और वो है वेलोसिटी, सॉरी मास ऑफ गन। वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इससे सॉल्व होगा। यहां आपको क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ गन, इसको अकेला छोड़ दें। वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट और मास ऑफ गन।
इट इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट कितना है 10 ग्राम. 10 ग्राम मीन 0.01 किलोग्राम, इस बात का ख्याल रखोगे. एंड 0.01 वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 100 एंड मास ऑफ गन इज 10. अब सॉल्व कीजिएगा, उम्मीद है आप समझ गए हैं. दैट वेलोसिटी ऑफ गन विल बी इक्वल टू, देखो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा और 100 100 कैंसिल एंड 1/10 इज 0.1 मीटर पर सेकेंड. और खुशी की बात यह है कि मैंने सही जज किया, ऑप्शन सी ठीक है. नेक्स्ट हमारा है मोमेंटम के बाद. मोमेंटम में कुछ इक्वेशंस हैं, डायरेक्शंस हैं, काफी कुछ है. मैं आपसे कहा ना कि चैप्टर को एक समराइज्ड व्यू दे रहा हूं और कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज शेयर कर रहा हूं. सो नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफ्स. ग्राफ्स काफी ज्यादा है, आपको 3-4 बातें ही बता सकता हूं. हम ग्राफ में बहुत ज्यादा 3-4 लेक्चर एटलीस्ट रखते हैं अगर इसकी हर बात को डिस्कस करें. बट हर ग्राफ का स्लोप होता है और स्लोप से क्वांटिटी रिप्रेजेंट होती है. हर ग्राफ से क्वांटिटी नहीं, बात से होती है, बात से नहीं, लेकिन वो क्वांटिटी ट्रेस करना हो तो तरीका ये है कि यूनिट अलोंग वाई डिवाइड बाय यूनिट अलोंग एक्स, ये स्लोप से डिटेक्टेड क्वांटिटी होगी. फिर ग्राफ के नीचे एरिया होता है, उसे कहते हैं एरिया अंडर ग्राफ. एरिया अंडर ग्राफ जो होता है, एरिया अंडर ग्राफ जो है ये भी अक्सर, हर जगह नहीं, हर वक्त नहीं, अक्सर किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है. इसका तरीका ये होगा कि यूनिट अलोंग वाई मल्टीप्लाई बाय यूनिट अलोंग एक्स, ये डिसीजन करेगा कि किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता. ग्राफ में स्लोप और एरिया अंडर ग्राफ से अक्सर क्वांटिटी का क्वेश्चन होता है. लेकिन आपके बुक में है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, 3 शेप्स आर पॉसिबल. अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो तो याद रखिएगा कि इसका मतलब है कि बॉडी रेस्ट में है, और बॉडी रेस्ट में है यानी वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 है. अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्लाइन आ रहा है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेशन 0 है. अगर वेलोसिटी, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर्व आ गया तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी वेरिएबल है और एक्सेलरेशन इज नॉन 0. इसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हॉरिजॉन्टल आया तो याद रखना इसका मतलब है कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी तो कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर इंक्लाइंड आएगा तो याद रखना कि इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, 0 नहीं है. और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व्ड आया तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है. फर्दर मोर ये भी याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के बराबर होता है. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है. द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. ये याद रखिए कि एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट नो क्वांटिटी, ये किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है दैट रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे एरिया डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है. इस ग्राफ से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करते हैं और आगे बढ़ते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 फॉर टुडेज लेक्चर, आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 9. और क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि अगर मैं कहूं वी हैव अ ग्राफ, इफ वी हैव अ ग्राफ, और इस ग्राफ में मैं कहूं दैट लेट मी कंसीडर, यहां क्वेश्चन मार्क है कि कौन सी क्वांटिटी है, बल्कि इधर जो है बॉडी पर फोर्स कर रहा है. इफ इट इज अ फोर्स, इफ इट इज अ फोर्स, और ये है जनाब क्वेश्चन मार्क, एंड द शेप ऑफ ग्राफ ऑब्टेन्ड इज दिस वन. So the expected quantity on y-axis, the expected quantity on y-axis, क्या होना चाहिए? Option A, momentum. Option B, velocity. Option C, acceleration. और Option D, mass.
which quantity is best to be there and y axis in this given graph. आप ग्राफ की तरफ तो आए, ग्राफ बता रहा है कि फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स मुसलसल बढ़ रहा है, लेकिन y एक्सिस पर जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है. द क्वांटिटी अलोंग y एक्सिस ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, और x एक्सिस पर फोर्स बढ़ रहा है, इंफिनिटी तक जा सकता है. तो आप खुद सोचें, अगर इधर मोमेंटम होता तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा कि जहां फोर्स होगा वहां मोमेंटम में चेंज लाजमी होगा, तो फिर तो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रह सकता. फोर्स हेवी और वक्त के साथ बढ़ भी रहा है, सो इम्पॉसिबल टू बी मोमेंटम टू बी कांस्टेंट. सो ऑप्शन ए बिल्कुल हराम है, ममनू है. अब ऑप्शन बी की तरफ आते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि हर फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करता है और हर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज से बनता है. तो अगर फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा, और अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो फिर y एक्सिस पर वेलोसिटी कैसे हो सकता है, क्योंकि ये शेप तो बता रहे हैं कि वहां तो कांस्टेंट चीज है. लिहाजा ऑप्शन ए की तरह ऑप्शन बी भी हमें मंजूर नहीं है, और ऑप्शन ए की बात करते हैं. सो माय डियर एंड नियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये होता है फोर्स एंड इट इज इक्वल टू एम, और ये है जनाब है आलिया, ये है ए, एफ इज इक्वल टू एम ए. ये इक्वेशन बता रहा है कि जैसा फोर्स वैसा एक्सेलरेशन. अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर फोर्स जीरो हो गया एक्सेलरेशन जीरो हो गया, लेकिन अगर फोर्स बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन का बढ़ना जरूरी है. दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन यहां फोर्स बढ़ रहा है और वाई एक्सिस पर अननोन क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा, इट मीन ये भी गलत है. अब ये समझो या ना समझो तो ठीक है, डेफिनेटली ठीक है. मास विल बी द क्वांटिटी ऑन y एक्सिस, डेफिनेटली मास विल बी द क्वांटिटी ऑन y एक्सिस. माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं मानता हूं आप मानते हैं. हाउ इट इज पॉसिबल? सो आप मुझसे कहें, सर देखिएगा ये मास है 2 kg और मैं इस पर जीरो फोर्स लगा रहा हूं, तो फोर्स जीरो पर, देखो फोर्स की वैल्यू जीरो पर है और मास की वैल्यू 2 kg है. फिर मैंने इस पर 10 न्यूटन लगाया और फोर्स जीरो से 10 तक आ गया, लेकिन मास वही 2 का 2 रहेगा. फोर्स लगाने से मास कहां बढ़ता है, कहां कम होता है? फिर कहे सर मैंने 20 न्यूटन कर दिया फोर्स, तो फोर्स 10 से 20 में आ गया, लेकिन मास वही का वही है. इट मीन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. मास विल बी द क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आज के लिए. और क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं दैट वी हैव अ ग्राफ एंड द ग्राफ इज लाइक दिस, दैट ये ग्राफ आया है और यहां पर है जनाब आला एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ले लेते हैं, और या इधर ले लेते हैं पावर, पावर ले लेते हैं, और इधर ले लेते हैं टाइम, इधर ले लेते हैं टाइम, और मैं आपसे कहूं कि इधर से लेकर यहां तक और यहां से यहां तक ये वैल्यू 10 है, इधर 10 ले लेता हूं और इधर 5 ले लेता हूं, और मैं आपसे कहूं ऑप्शन ए में कि दिस ग्राफ रिप्रेजेंट दैट वर्क इज इक्वल टू 25 जूल्स, ऑप्शन बी दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स दैट पावर इज इक्वल टू 25 वाट्स, और ऑप्शन सी आई वांट टू से दैट दिस ग्राफ रिप्रेजेंट दैट टाइम इज इक्वल टू 25 सेकंड, और ऑप्शन डी मैं कहूं कि दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स दैट आर पॉसिबल. तो जनाब देखते हैं क्या होता है. जरा इस ग्राफ के नीचे जो एरिया है, पहले ये तो जान लीजिए कि एरिया किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है या नहीं. तो आप कहें सर देखते हैं, यूनिट अलोंग y मल्टीप्लाई बाय यूनिट अलोंग x, यूनिट अलोंग y इज वाट एंड यूनिट अलोंग x इज सेकंड एंड वाट इनटू सेकंड इज जाउल एंड जाउल इज द यूनिट ऑफ वर्क. इसका मतलब ये है कि पावर और टाइम के ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो हमें वर्क डन की वैल्यू बताता है. अब जरा एरिया मालूम करें.
अगर आपको पता चला कि ये एरिया वर्क के बराबर है, सॉरी इस तरह लिख लेते हैं कि वर्क यहां एरिया के बराबर है, और एरिया तो ट्राइंगल है तो 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, तो 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय बेस की वैल्यू है 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 10 और 10 5s आर 50 बाय 2 इज 25 जूल. इट मींस द गिवन ग्राफ clearly shows that work done is equal to 25 joules. Work done जो है वो 25 joules के बराबर होगा. Next मेरा topic है जनाब collision. Collision के important points. Collision is a process जिसमें दो bodies interact करें और एक दूसरे के motion में change लाए. The process is called collision. There are two types of collision. कोलिजन की दो किस्में हैं, इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन में स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन बराबर होते हैं. हर कोलिजन में इसमें इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर होते हैं, इसमें इनिशियल काइनेटिक और फाइनल काइनेटिक भी बराबर होते हैं. इनइलास्टिक कोलिजन में इनिशियल और फाइनल मोमेंटम तो बराबर होते हैं लेकिन इनिशियल काइनेटिक और फाइनल काइनेटिक बराबर नहीं होते. और इनइलास्टिक कोलिजन में एनवायरमेंट इन्वॉल्व होता है. इलास्टिक में एनवायरनमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, यानी दैट इज आइसोलेटेड बॉडीज कोलिजन होता है. इन इलास्टिक कोलिजन में मोशन के साथ साथ और भी चेंजेस पॉसिबल हैं, लेकिन इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ मोशन में चेंज पॉसिबल है, बाकी कोई चेंज पॉसिबल नहीं है. इसके अलावा काफी डिफरेंसेस हैं. आपके कोर्स में टाइप्स ऑफ कोलिजन का डिटेल नहीं है, सिर्फ हेड ऑन कोलिजन की मेन बातें हैं. सो कोलिजन में मैं आपको तीन चार बातें बताता हूँ हेड ऑन कोलिजन की. और हेड ऑन कोलिजन में पहला पॉइंट ये है कि इसमें होता है जनाबे मोहतरम स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टकराने से पहले बॉडीज जिस स्पीड से करीब आते हैं, टकराने के बाद बॉडीज उसी स्पीड से एक दूसरे से दूर भी होते हैं. ये हेड ऑन कोलिजन की एक इंटरेस्टिंग एबिलिटी है, प्रॉपर्टी है. और स्पीड ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला है बॉडी वन स्पीड ऑफ बॉडी वन प्लस माइनस स्पीड ऑफ बॉडी टू. इट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ अप्रोच. प्लस आप तब लोगे, याद रखें, प्लस आप तब लोगे जब अपोजिट डायरेक्शन में हो. इसमें उल्टा है, याद रखिएगा, रिलेटिव है. अगर दो बॉडीज एक दूसरे के करीब जा रहे हैं तो स्पीड ऑफ अप्रोच में दोनों के स्पीड प्लस करोगे, और अगर एक आगे भाग रही है एक पीछे आ रही है, सेम डायरेक्शन है, तो फिर माइनस करोगे. और स्पीड ऑफ सेपरेशन का फॉर्मूला है बॉडी टू, इसमें बॉडी टू पहले है, प्लस माइनस बॉडी वन. द स्पीड ऑफ बॉडी टू प्लस माइनस बॉडी वन. अगर टकराने के बाद दोनों बॉडीज अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस करोगे, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस करोगे. स्पीड ऑफ अप्रोच के लिए याद रखें जो बॉडी वन प्लस माइनस बॉडी टू ले रहे हो, इट मस्ट बी बिफोर कोलिजन. ये बिफोर कोलिजन होना चाहिए, और ये जो ले रहे हो इट मस्ट बी आफ्टर कोलिजन. ये आफ्टर कोलिजन होना चाहिए. कोलिजन में या हेड ऑन कोलिजन में स्पेशल केसेस से क्वेश्चंस आते हैं, और काफी आते हैं. और इसके जो स्पेशल केसेस हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अगर दो बॉडीज का मास इक्वल हो और ये आपस में कोलिजन करेंगे, तो याद रखिए कोलिजन के बाद ये आपस में वेलोसिटीज तब्दील करेंगे. ये अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा और ये अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा. मास इज इक्वल हो. सेकेंड स्पेशल केस ये है कि एक बहुत बड़ी बॉडी एक छोटी सी बॉडी को हिट करे, और ये छोटी बॉडी रेस्ट में भी हो, और ये जाकर किसी स्पीड वी से हिट करे, तो टकराने के बाद जनाब मोहतरम क्या होगा? ये होगा कि ये अपनी ही वेलोसिटी से, अपनी ही स्पीड से मूव करता रहेगा. ये बॉडी अपने ही स्पीड से मूव करती रहेगी, लेकिन रेस्ट वाली जो छोटी सी बॉडी थी ये टकराने के बाद बॉडी वन के डबल स्पीड के साथ मूव करेगी. ये डबल स्पीड के साथ मूव करेगी. और माय डियर स्टूडेंट्स, केस नंबर 3 जो स्पेशल है,
अगर एक बहुत बड़ी बॉडी से अगर एक बहुत बड़ी बॉडी से एक छोटी बॉडी जाकर वी वेलोसिटी से टकरा जाए, वेलोसिटी वी से टकराए और ये बहुत बड़ी बॉडी रेस्ट में हो, तो टकराने के बाद आपको क्या मंजर देखने को मिलेगा? और वो मंजर ये होगा कि छोटी बॉडी जिस स्पीड से गई थी उसी स्पीड से वापस मुड़ जाएगी, उसी स्पीड से वापस मुड़ जाएगी। अगर वेलोसिटी की बात करोगे तो जाने की वेलोसिटी अगर प्लस भी होगी तो पलट कर आने की वेलोसिटी माइनस भी होगी, एंड सो ऑन। जबकि बड़ी बॉडी रेस्ट में थी और रेस्ट में रहेगी, बड़ी बॉडी जो है वो रेस्ट में थी और रेस्ट में ही रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन का अलग लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं, उसके सारे मेन पॉइंट्स में आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो जाते जाते एक क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का हो जाए, और उम्मीद है कि जिनका ये चैप्टर क्लास में रह गया था उनकी थोड़ी बहुत कमी पूरी हो गई होगी। सो लेट मी पुट अ क्वेश्चन, अ प्रोजेक्टाइल, एक ही क्वेश्चन करता हूं आपके लिए, अ प्रोजेक्टाइल, क्वेश्चन नंबर 11 है, अ प्रोजेक्टाइल कवर्ड मैक्सिमम हाइट इक्वल टू 5 मीटर या 4 मीटर एंड रेंज इक्वल टू 6 मीटर। एक प्रोजेक्टाइल का रेंज 6 मीटर है और उसका हाइट जो है वो 4 मीटर है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ समिट? आप बताएं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ समिट क्या होगा। ऑप्शन ए ये होगा 10 मीटर, ऑप्शन बी ये होगा जनाब मोहतरम 4 मीटर, ऑप्शन सी ये होगा 2 मीटर और ऑप्शन डी ये होगा 5 मीटर। पहले क्वेश्चन का मतलब जान लेते हैं। ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस, और y एक्सिस और x एक्सिस पर ये बॉडी है। आपने इसको वेलोसिटी v से फेंका, ये बेचारी गई 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 और पलट कर वापस आ गई, लौट के आना तो पड़ता है, और ये है जनाब प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, गिवन डेटा इज दैट द मैक्सिमम हाइट इज 5 मीटर, 4 मीटर, इट इज 4 मीटर एंड द फुल रेंज इज 6 मीटर। व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ समिट, एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ समिट इज दिस वन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ऑरिजिन टू समिट, और हमें ये डिस्प्लेसमेंट बताना है कि समिट का डिस्प्लेसमेंट कितना है। उम्मीद है आपको सोल्यूशन खुद ही क्लियर हो गया होगा और आप समझ गए होंगे कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, जो समिट का डिस्प्लेसमेंट है वो हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर आपके नाम हो चुका है, बेस यहां से यहां है विच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इंच। अगर फुल रेंज 6 है तो ये बेस कितना होगा? 3। अब तो आप मालूम कर सकते हैं, एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 9 + 16 and which is equal to under root 25 and which is equal to 5 meter. Hence the displacement is 5 meter. Dear students, मायूस ना होइएगा, खुश रहिएगा, टेंशन फ्री रहिएगा, जिंदगी है और इसमें बिना लॉस का वक्त नहीं गुजरता। ऐसा इंसान दुनिया में आया नहीं जिसे लॉसेस नहीं हुए। लॉस दुनिया का और जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। बहादुर वो होते हैं और खुश वो रहते हैं जो उस लॉस को एक्सेप्ट करें और उस लॉस के होते हुए भी आगे बढ़ने का अजम रखें, बाकी उम्मीदें कायम रखें, मेहनत करते रहें। और मायूसी वैसे भी कुफर है, क्योंकि कहा जाता है ऐशान करीमी मुझे मायूस न करना, तकदीरें बदलती हैं दुआओं के असर से। गुड लक डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।